अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 13 to 19 जेमिनी वीकली होरोस्कोप, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? जेमिनी, ये हफ्ता आपके लिए बड़ी अहम तब्दीलियों का है, कुछ मैटर्स को आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। मैंने पिछले हफ्ते में भी इस बारे में जो है थोड़ा सा आपको इंडिकेट किया था, और वो था मरकरी की डेबिलिटेशन। मरकरी आपके जायचे के 10th हाउस में जो है डिबिलेट हो चुका है, यानी हबूत में जा चुका है। अब होता क्या है कि इस जब ये सियारा जो है वो आता है आपके जायचे के 10वें घर में, कैरी रोजगार के घर में, तो इसको हबूत होते हैं, चूंकि पाइसिस में मरकरी जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता। अब स्पेशली वो लोग जो कि अपने कैरियर रोजगार के ऊपर फोकस हैं, जो अपना काम कर रहे हैं या जो कोई एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी, और जो रिलेशनशिप में हैं, शादी से मुतल्लिका मामलात या आपके खानगी मामलात जो हैं वो बहुत ही अहम होंगे आपके हवाले से। मैं ये स्ट्रांगली कहूँगा कि आपको बहुत ही ख्याल करना है, अगर आप इसको केयरफुली नहीं चलाएंगे तो फिर मामला डिस्टर्ब हो गए। इसको कैसे टैकल करना है ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो कैरियर रोजगार के हवाले से जल्दबाजी में कोई भी फैसला बड़ा करने से गुरेज कीजिएगा। अब चूंकि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि सन 10th में है, तो ये बहुत कुछ वास करेगा, और जुपिटर भी साथ है, उसकी पावर्स भी इसके साथ हैं जो कि अभी भी उसके पास है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा देगा, एक्सपेंड कर देगा। अब अगर वो एक्सपेंड हो रहा है और अब जो मरकरी यहां पे आ गया है वो आपसे गलत फैसला करवा सकता है, तो करना क्या है? करना ये है जी कि आपने अपने मामलात को अलोन तय नहीं करना, किसी भी फर्द से जो है वो आप मशवरा कर सकते हैं, जो भी आप समझे कि आपके लिए लॉयल है, बहुत अच्छा होगा उस शोबे के बंदे से रब्ता करें जो कि उस शोबे में पहले से मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी डीलर से बात कीजिए। मैं अक्सर यही लोगों को कहता हूं कि मुतलका बंदे से बात कीजिए, वो आपको जो है वो बेहतर गाइड करता है उस शोबे के बंदे से। अगर आपके पास उस शोबे का बंदा नहीं तो अपने एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, वो कम से कम आपको ये जरूर बताएगा कि दिस इज अ राइट टाइम और रॉन्ग टाइम, और आप क्या करने जा रहे हो और इसमें क्या क्या आपके तहफ़ुज़ात हैं, आपको किस तरीके से उसको टैकल करना है। सो ये जो अभी 10th में मरकरी डेबिलिटेड हुआ है, तो होगा क्या कि आप अपने जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किए हुए हैं उनसे थोड़ा सा हटते हुए भी नजर आते हैं। मे बी आपके जहन में कुछ नए आइडियाज आ जाए और बड़ी तेजी के साथ आप उनके ऊपर काम करने जाएंगे, लेकिन यहां पे फोकस करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये इत्तकाज की कमी का सामना करवाता है। मरकरी जब भी वीक होता है तो सबसे पहले आपकी मेंटल एबिलिटीज को जो है वो थोड़ा सा डाउन करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जब है कि वैसे बड़ी अच्छी होती है उसको थोड़ा सा डाउन करता है। सीनियर के साथ कोई क्लैशेस आपके सामने जो है वो आ सकते हैं, मोहतात रहिए ताकि आप इन चीजों को बेहतर तौर पे टैकल कर सके। अब चूंकि ये आपके चौथे घर का भी हाकिम है, तो मैं कहूंगा घर सवारी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त हो या आपके कैरी रोजगार के वाले से कोई भी नया एग्रीमेंट करने से गुरेज कीजिएगा, और अगर आप समझे कि नागुजीर है तो सदका देके इस तरफ जाइए, कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडी कीजिए, फिर आप इस तरफ जा सकते। आधा किलो मूंग साबत हर बुध को सदका देना अपना मामूल बना लीजिए, ये आपको वैसे भी करते रहना चाहिए क्योंकि मरकरी एक तेज रफ्तार से आ रहा है, ये एक ही साल में चार अच्छे चार बुरे तरह के जो है वो एस्पेक्ट से गुजर जाता है, फिर इसको कम से कम 3 बार तो रेट्रोग्रेशन जरूर होती है, जैसे ही सन के करीब आता है तो फिर इसको रिवर्स जो है वो हो जाता है। सो आपको बड़ी एहतियात के साथ इस मामले को लेकर चलना है ताकि आप इस मामले को करें, तो ये स्ट्रांगली है। इसके अलावा अपने आदमी एक एमरल्ड बेयर कीजिए, एमरल्ड आपको इसकी जो पावर्स में कमी होगी आपके लिए उसको पूरा करेगा। ध्यान में रखिए जेमिनी मरकरी जब भी होता है तो ये तमाम जॉडिक साइंस को जो है इफेक्ट करेगा, बट आपको चूंकि आपका रूलिंग प्लेनेट है इसलिए आपको ज्यादा करेगा, और विरगो वालों को कुछ ज्यादा करेगा क्योंकि उनका भी रूलिंग प्लेनेट यही बनता है। अब ये अलग बात है कि चूंकि वो आपके जायचे के 10th हाउस में आए हैं तो मामला जो है वो कैरियर रोजगार से मुतालिक होंगे, आपकी तवज्जो आपके खानगी मामला से उठ के जो है वो कैरियर रोजगार के ऊपर ज्यादा आ रही है, आप पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर सकेंगे। अब मरकरी के डेबिलिटेशन में जो है वो समटाइम होता है ना कि
एक मिसाल हमने सुनी हुई है कि कुबड़े को टांग पड़ी, यानी जो पहले उसका कमर खुबीता थी उसको टांग पड़ी तो उसका कुब निकल गया जी, यानी वो सीधा हो गया। तो कई बार जेमिनाइज मैंने ये देखा कि अगर आप इसको पॉजिटिव लें तो ये आपको क्यूरियस बनाएगा, ये आपको स्ट्रगल की तरफ लेके जाएगा कि आपने अपने मामलात में कौन सी कमियां कोताहियां छोड़ी हैं, उसको बेहतर करने में आपको ये हेल्प देगा। और जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो आप समझ लें कि तमाम चीज़ों पे आप बड़ी तेजी के साथ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने की तरफ जाएंगे। वालदा की तरफ से, बल्कि मैं कहूँगा कि वालदैन की तरफ से आपको कुछ परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, स्पेशली आपके वालिद की सेहत मुतासर हो सकती है और उसका काज होगा 9th हाउस में मौजूद आपका मार्स। सफर की राहें आपकी खुल रही हैं, आप अपनी एनिमीज को डिफीट करने में कामयाब हो जाएंगे, नई चीजें आपके सामने आएंगी। यही एनिमीज जो पिछले दिनों में आपके लिए बड़ी परेशानी का बायस थी वो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी हेल्थ इश्यूज जो है वो भी अब जो है वो क्योर होने की तरफ जो है वो चल पड़ेंगे। इस तरह आपकी हेल्थ के ऊपर जो मसाइल मौजूद है वो खत्म होंगे। इसी तरह आपकी जॉब के ऊपर मौजूद मसाइल भी आपके जो है वो कम होते चले जाएंगे। आपके जो एनिमीज आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, अब उसमें से निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। मार्स यहां से तसलीस की नजर से आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा जो कि बहुत अच्छा है, ये आपको करेज देगा, स्ट्रेंथ देगा नए स्टेप्स लेने की जाने की तरफ। आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक नए सिरे से जो है वो गामजन होंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे और यकीनन परवरदिगार से ज्यादा आपको बेनिफिट्स भी यहां पर मिल सकेंगे। फिर भी अगर आप समझें कि ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप जो है हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देके इस मामले को कवर कर सकते हैं। यहां पे दो स्टोन आपको इस वक्त बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। एक मैंने कहा जी एमरल्ड वेयर कीजिए, उसके मुतबादल में अगर एमरल्ड आप अफोर्ड ना करें तो उसके मुतबादल में आप जेड वेयर कर सकते हैं, आप जो है ग्रीन अगेट वेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा कॉरल इस वक्त क्या करेगा, ये आपको पॉजिटिव जो है ना एनर्जीज देगा, पावर देगा, स्ट्रेंथ देगा, फिजिकल मामलात बेहतर होंगे, आपके जॉब से रिलेटेड मामलात मजीद बेहतर होंगे और आपकी होप्स जो है जो आपने गोल सेट किए हुए हैं उनको अचीव करने के लिए आपको जो है वो करेज मिल सकेगी। जेमस्टोन के वाले से हमारी वेबसाइट javajem.com विजिट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि इंशाल्लाह, मैंने अपनी मंथली वीडियो में भी कहा था कि इंशाल्लाह आपके जो आपके लिए बहुत सारी ऑफर्स हैं जो आपको वीकली में मिलेंगी। सो 14 से 19 मार्च जेमस्टोन के लिए के ऊपर आपके लिए फ्लैट 10% जो है वो ऑफर कर दिए गए। तमाम अहबाब कोई भी आप स्टोन लेना चाहें उसके ऊपर 10% आप ऑफ जो है वो ले सकेंगे। बट एक स्पेशल हमने जो है वो दिया है ऑफर आपके लिए, और वो है इंडिविजुअल स्टोन रेमेडीज जो कि आपके जाइचे से सिर्फ क्रिएट होती हैं, लेकिन ये कुछ मशरूत है जो है ये बिल्कुल फ्री आपको मिल सकेगी, लेकिन मशरूत है वो मशरूत आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके तो फिर आप उसको भी अवेल कर सकेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और गाइड करता चलूँ कि इस हफ्ते में आपकी शादी जैसी तकरीबात के लिए, आपकी मंगनी जैसी तकरीबात के लिए माहौल बहुत ही साजगार रहेगा, लव लाइफ में बेहतरी आएगी, बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है, इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करना एक बार फिर आपके लिए जबरदस्त साबित होगा। बिरनु मुल्क सफर की राहें आपकी जो है वो खुल रही है, और इसके साथ साथ अगर आप औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो परवरदिगार के फजल से औलाद के असूल में आपको जो है कामयाबी मिलेगी। सोशल एक्टिविटीज आपकी बहुत जबरदस्त साइड पे जाती नजर आती है। सो अगर हम सिर्फ मरकरी को टैकल कर लें तो हमारे बाकी सारे मामला जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने इस हफ्ते को बेहतर प्लान कर सकेंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त तमाम वीडियोज मिलती रहे, और इंशाल्लाह रमजान मुबारक में कुछ स्पेशल आपके लिए जो है वो आ रहा है, और उसके लिए सिर्फ उसको मिल सकेगा जो हमारा चैनल पर सब्सक्राइब करेगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस बार बिल्कुल डिफरेंट चीजें आपके लिए जो है वो पेश की जाए। खुदा हाफिज़।